से इंतजार कर रही हो तुम? कब तक इंतजार करोगी? माँ भैया कब आएंगे? समय मिलेगा तभी तो आएगा। तुम तो सुबह से ही तैयार होके बैठी हो। कितने साल हो गए भैया को राखी नहीं बांधी? 5 साल से आ रहे हैं भैया। हाँ ये भी सही बात है, इस बार तो बहुत दिनों से आ रहे हैं रक्षाबंधन पे। दीदी, कविता दी अपनी भाभी को माँ क्यों बोलती है? क्योंकि इसकी माँ ना बचपन में गुजर गई, अच्छा। इसलिए ये भाभी को माँ कहती है। हम्म, और आज है ना इसका भाई आने वाला है, तभी सुबह से सजी हुई बैठी है। बहुत सालों के बाद आ रहा है ना, इसलिए बहुत खुश है आज। हेलो। सुनील जी, क्या चल रहा है? हाँ ठीक है, बस अब तो एक ही काम है, ये इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, पता है यार, उसी का ही तो टेंशन है। अरे नहीं यार, ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये इलेक्शन तो मैं जीतूंगा ही, हर हालत में जीतना ही है। और विशेष करके आप दीनदयाल हुड्डा से सावधान। हाँ मालूम है, उसका भी कुछ इलाज करेंगे, सोचूंगा कुछ उसका भी। आप है ना, टेंशन मत लीजिए मेरा, आप सिर्फ प्रचार कीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए उसकी। नहीं नहीं हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कहीं। हाँ, ये इलेक्शन तो मुझे हर हालत में जीतना ही है। सिर्फ टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, उसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैंने अपने आदमी लगा रखे हैं चारों तरफ, आप टेंशन मत लो। आप और अपने सहयोगियों को बोलिए मेरा पूरा सपोर्ट करें, पूरा प्रचार करें, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो आप, पूरा पुख्ता इंतजाम कर रखा है मैंने। रुपयों पैसों की कोई भी चिंता मत करना आप, पानी की तरह बहाओ, ये इलेक्शन मुझे हर हाल में जीतना है। बांटो इसको। दीनदयाल का तो मैं इलाज करता हूँ, एक मिनट मैं अभी बापू, रुको उसका इलाज मैं अभी कर देता हूँ। अरे तुगन कहाँ हो? हाँ बॉस, मैं अड्डे पे हूँ। तुम एक काम करो, अभी निकलो जाखड़ा वाली के लिए। किस लिए बॉस? वो मायड भाषा का प्रोग्राम है जाखड़ा वाली में, वो नेता बना फिर रहा है ना दीनदयाल हुड्डा। हाँ दीनदयाल हुड्डा, उसको उड़ाना है। काम हो जाएगा बॉस, ध्यान से करना काम है, जितनी जल्दी हो सके मुझे खुशखबरी दो। ठीक है बॉस, चलो बुल्लू चलो, जाखड़ा वाली चलते हैं। यहाँ चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ। एक काम करते हैं, ये बैग यहाँ रख देते हैं, थोड़ी देर में अपन आ जाएंगे। हाँ ये यहाँ सही रहेगा। आ लगता है भाई कुछ अच्छा माल मिलेगा, शायद कुछ पैसों की भरी बैग मिल जाए। चलो मन लगा के काम करते हैं, शायद कुछ मिले। हाँ भाई साहब, शायद अल्लाह मेहरबान हो अपन पे। रफीक भाई बैग लगता है पैसे हैं। बैग? आज तो पैसे आ लगेंगे, चलो खोलते हैं इसको। मिल गया भाई बैग। इसमें तो बम है। यहाँ आओ बल्लू, यहाँ आओ, इधर से कुछ आवाजें आ रही हैं, शायद कोई है। भाई निकलो यहाँ से, बम है। कहाँ पैसे ढूंढ रहे थे, कहाँ बम मिला, यहाँ पर तो लोग चलते हैं। बैग तो पड़ा है, चलो निकलते हैं। पता नहीं किसने रखा है, क्या करेगा वो। चलो भाई चलो, चलो यहाँ से चलो। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारा ये फर्ज बनता है किसी को जाके हम बताएं। हाँ भाई, किसी न किसी को तो बताना होगा।
किसे बताएं भाई, यहाँ तो कोई नहीं है। पर देखो भाई फौजी, चलो इनको बताते हैं। हाँ चलो उस फौजी को बता। जय हिंद साहब। जय हिंद साहब। हम इस शहर में कचरा उठाते हैं। सर हम झाड़ियों में जा रहे थे, जाते टाइम हमने देखा वहाँ पे एक बैग पड़ा था, बैग को हमने खोल के देखा तो साहब बम था। हाँ चलो चलो साहब चलो। एक आदमी वही है साहब। हाँ साहब वही है। ओए सुनो, ओए रुक रुक। ओह नो, बल्लू के पीछे तो कोई फौजी लगा। आए रुक रुक रुक। हाँ बोस। हाँ बोलो। तो बल्लू के पीछे एक फौजी लगा हुआ है बोस। क्या तुम जाखड़ा वाले के लिए निकलो, फौजी को मैं देख लूंगा। तुम जाओ अकेले जाना और काम ठीक से करना। मैं पता करता हूँ कौन फौजी है क्या है, देखता हूँ मैं। तुम काम पुख्ता करके आना। हेलो। क्यों फौजी, बहुत जोश दिखा रहे हो, इतना भी जोश अच्छा नहीं होता। जोश है ना सीमा के लिए बचा के रखो, हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ। मामला जब समाज का, देश का या गांव का आता है वो फौजी के मामले होते हैं। ऐसी बात है तो ध्यान से सुनो, तुम बहुत जोश दिखाते हो ना, मैं भी देखता हूँ आज कितना जोश है तेरे अंदर। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है, 20 मिनट में या तो तुम अपने घर पहुंच सकते हो या जाखड़ा वाली पहुंच सकते हो। तुम्हारे घर में भी बम लगा हुआ है। क्या? क्यों लगाना झटका, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट का टाइम है। देखता हूँ अभी किसको बचाते हो, अपने परिवार को या बचाते हो उस नेता को। अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी देखता हूँ तुम क्या करते हो, देखते हैं कितना जल्दी किसके पास पहुँचते हो। अरे कहाँ फंस गए, अरे फौजी तू तो। भाग।
हेलो हेलो बॉस, अपने घर में एक फौजी बैठा है। उसकी इतनी हिम्मत? हाथ में बम सा लिया बैठा है बॉस। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन बॉस मैं रोक नहीं पाया। उसने मुझे बहुत पीटा बॉस, और वो अंदर बैठा है अभी, भाभी जी और बच्चों के साथ बैठा है बॉस। मैं सबक सिखाऊंगा उसको। फौजी, बहुत गलत कर रहे हो तुम। मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं? बर्बाद हो जाओगे, बहुत खतरनाक आदमी हूं मैं। नेताजी, जब आप मेरे घर का इतना ख्याल रखते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके घर का भी ख्याल रखा जाए। नेताजी, अगर परिवार मेरा है तो परिवार आपका भी है। अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो यहां आपका परिवार भी नहीं बचेगा, और इसलिए मैं भी आपके घर में बैठा हूं। और हां, आपने मुझे 20 मिनट का टाइम दिया था ना, अभी मैं आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम देता हूं। क्या मतलब है? अगर 5 मिनट के अंदर मेरे घर को महफूज नहीं किया। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। और हां, नेता दीनदयाल को भी कुछ हुआ तो समझ लो तुम्हारा परिवार तुम्हें नहीं मिलेगा। देखो, ठीक है, मैं वहां से बम उठवाता हूं। तुमने क्या सोचा था प्रभु दयाल, कि परिवार सिर्फ हमारा ही होता है? ये पैंतरे हमें भी आते हैं। जय हिंद। राजस्थानी भाषा खातर अपन भी करो। हेलो बॉस, तुगना एक काम करो, तुम लोग जल्दी से वहां से बम हटाओ। बम निकाल लो। तुम सफल ब्रांड का क्यों बॉस? जो भी सहयोग चीज है, अरे वहां से निकलो जल्दी। अच्छा ठीक है बॉस, हाँ निकालता हूँ, अभी निकालता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं बोल सको कोई हिचकिचाट की, क्योंकि वो अपनो सगड़ा दायित्व है कि अपनी भाषा ने सम्मान मिले, अपनी भाषा ने भी मान्यता मिले। वो सिर्फ मेरे को नहीं, प्रत्येक राजस्थानी को दायित्व है कि वे राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार में मदद करे। आज आप इतना लोग इकट्ठा हुए, अगर सगड़ा मन में एक बात रही तो अपनी भाषा ने मान्यता देने कोई कौन रोक सके नहीं। और थे यहाँ ना सोचा कि मैं कोई वोट खातर या मैं कोई राजनीति खातर थाने। हाँ ठीक है बॉस, मैं बम निकाल लिया है। सर, हमारा क्या कसूर? आप उनकी सजा इन मासूम बच्चों को क्यों दे रहे हैं? इन्होंने क्या बिगाड़ा है? आप देखिए, मैं आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन जब बात परिवार की आती है तो फिर इंसान कुछ भी करने को तैयार है। सर, फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? अगर मेरे परिवार को आंच पहुंची तो मुझे फिर जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। मम्मी, बच्चों ने क्या बिगाड़ा है आपका? हमें तो उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप तो देश की रक्षा करने वाले हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? हाँ, मुझे पता है आपका कोई कसूर नहीं है, इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन मेरे परिवार को आ चाहिए तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं 5 मिनट में उनका क्या फैसला आता है। पता नहीं वो 5 मिनट में क्या फैसला ले। फोन आ गया। हेलो। देखो, मैंने वहां से बम हटा लिया है, अब तुम भी निकलो वहां से। देखो, मैं बोलता हूँ मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मेरा परिवार सुरक्षित है तो आपका भी परिवार सुरक्षित है। अपने आदमियों को हटा दिया मैंने वहां से। अभी आपने सही फैसला लिया है। हाँ, लेकिन याद रखिए, मेरे साथ कोई भी चालाकी हुई तो बख्शूंगा नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे परिवार को सुरक्षित कर दिया है, आप भी सुरक्षित हो। अब तो आप हमें छोड़ देंगे ना?
देखिए अगर 5 मिनट बाद भी वो मेरी बात नहीं मानते, अगर मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाते या दीनदयाल को नुकसान पहुंचाते, तो भी मैं आपको कुछ नहीं करता। लेकिन ये अंतिम प्रयास था जो मैंने किया, क्योंकि इंसान परिवार के सामने आकर ही कमजोर पड़ता है, इसी कमजोरी का फायदा मैंने उठाया, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये नाटक किया। हालांकि मेरा इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं था। और वो बम, वो जो बम लेके आए थे, वो ये बम नहीं, खाली बोतल है। बोतल ऐसे ही बांध के आपको डराने के उद्देश्य से लाया था। ये एक अंतिम प्रयास था जो मैंने करके देखा। अगर वो मेरे परिवार को मार भी देते तो भी मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ये सिर्फ उनको डराने के लिए ही था। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, आपको कोई खतरा नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हैं। चलिए सर, आपका ये बम, ये आप रखो। कौन सा बम है अंकल? ये सावन का महीना है, बोल बम है। सुनो तुगन, देखो वहां तो अपना प्रोग्राम फेल हो गया। एक काम करो, दीनदयाल ओएसी इंटरनेट स्कूल में जा रहा है। हाँ, एक काम करो, उसकी गाड़ी में बम लगा दो, छोड़ना नहीं है उसको, जल्दी करो। और भी बहुत सारा समाज सेवा काम है, लेकिन वो काम जैन साहब। जय हिंद। देखो इस बेईमानी की जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, एक अच्छे नागरिक बनकर जियो, एक जिम्मेदार नागरिक बनकर जियो, बेईमानों को साथ मत दो। आप दीनदयाल को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं साहब। मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ बस। लेकिन वो बचेगा नहीं। क्यों? पता चला कि उसके गाड़ी में बम लगा दिया गया फिर से साहब। अच्छा, और वो अभी ओएसिस इंटरनेशनल स्कूल जाएगा। ओएसिस इंटरनेशनल स्कूल? 20 मिनट के अंदर अंदर वो बम फट जाएगा साहब। ठीक है। मैं वहां आने वाला था, लेकिन वो प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया। सैनिक स्कूल तो जा सीधा ही निकलना हुआ, वैसे सैनिक स्कूल तो जा नहीं पाऊंगा। दीनदयाल जी यहां नहीं आए, इसका मतलब सॉर्ट कर जाना पड़ेगा। अभी मैं सीधा निकल रहा हूं।
क्या है? जल्दी नीचे उतरिए, गाड़ी में बम है। क्या बम? बम है गाड़ी में? ये क्या हो रहा है? ये अरे कोई बात नहीं नेताजी, दुश्मनों की चाल कामयाब नहीं हुई। फौजी साहब, हमारी और आपकी जान तो पब्लिक की है, लेकिन सावधान रहें। उफ, अरे बहुत थक गए आज तो। तुम सबको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब उस फौजी की हिम्मत नहीं है और दोबारा यहाँ आ सके। चिंता तो अब आप कीजिए, क्योंकि आज हम सब एक साथ मरने जा रहे हैं। अरे क्या बोलते हो तुम लोग यार? तभी आपको पता चलेगा कि एक परिवार के मरने का कितना दुख होता है। अरे क्या हो गया यार तुम लोगों को? ये सब मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। नहीं चाहिए पापा हमें ये ऐसा आराम, मुझे तो घिन आती है पापा, ये सोच कर भी कि आप ऐसा काम कर रहे हो। नहीं बेटे, मुझे इतना नजरों से मत गिराओ। पापा हम रुखी सुखी खा के रह लेंगे, पर एक खूनी और भ्रष्टाचारी बाप की बेटी बनना कभी पसंद नहीं करेंगे। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है हम सभी अभी मर जाएं। नहीं, मैंने ऐसे पापा कभी नहीं सोचे थे। आपके इस गलत काम में हम कभी साथ नहीं दे सकते। अच्छा अच्छा, तुम लोगों को ये सब पसंद नहीं है तो आज के बाद सारे बुरे धंधे मैंने छोड़ दिए। आज के बाद एक ईमानदार व्यक्ति की जिंदगी जीऊंगा मैं। That's life, my papa. सच कह रहे हैं आप, तो हम भी मरना कैंसिल करते हैं। अब हटाओ इस बम को। कैसा बम है ये? माँ भैया आ गए। भगवान मेरे भाई को सलामत रखे। ठीक है।